नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सरकार के कई मंत्री विधायक मौजूद हैं। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार हमें न तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और न ही आर्थिक मदद। इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना भी केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। केंद्र सरकार पर कर्नाटक की सरकार ये आरोप लगा रही है कि उनको ना तो कोई आर्थिक मदद दी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा और ना ही टैक्स का फंड दिया जा रहा है। और इसी को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज जंतर मंतर पर पहुंचे। उनके साथ डीके शिव कुमार और तमाम उनके मंत्री और विधायक भी मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद हैं। इस आंदोलन को चलो दिल्ली आंदोलन नाम दिया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकारों का यह आंदोलन है। इसी में केरल, तमिलनाडु की सरकार भी शामिल है, यानी कि वो भी ऐसे ही आरोप केंद्र की सरकार पर लगा रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि राज्यों के साथ भेदभाव केंद्र की सरकार कर रही है, यानी कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है या जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है, उन राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र सरकार में मौजूद बीजेपी भेदभाव कर रही है। ना तो उन्हें टैक्स का फंड दिया जा रहा है और ना ही किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद दी जा रही है। और इसी को लेकर जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चल रहा है। सीएम सिद्धरमैया दिल्ली के जंतर मंतर पर हल्ला बोल रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। असली शिवसेना के बाद अब असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई। चुनाव आयोग ने एनसीपी को लेकर चल रही लड़ाई पर विराम लगा दिया। आयोग ने अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के धड़े को ही असली माना। एनसीपी का चुनाव निशान घड़ी अब अजीत पवार वाले गुट इस्तेमाल करेगा। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को कुछ समय दिया है कि वो अपने नए नाम के चुनाव के लिए 3 नाम दे, ताकि अगले राज्यसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला अजीत पवार के पक्ष में आया है। अजीत पवार ने और शरद पवार के बीच में असली और नकली एनसीपी को लेकर लड़ाई चल रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। नीतीश कुमार की दिल्ली में नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। सूबे में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश और मोदी की यह पहली मीटिंग होगी। सीएम नीतीश कुमार के गुरुवार को वापस लौट आने की संभावना है। दिल्ली दौरे के कार्यक्रम में नीतीश कुमार, पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बताया गया कि पीएम से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार बिहार के लिए बड़ी सौगात का आग्रह करेंगे। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग और अन्य रणनीति पर चर्चा करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमशील जुड़ गए हैं। ओम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से भी करेंगे और साथ में अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। क्या कुछ इन मुलाकात को लेकर अपडेट है और क्या कुछ जानकारी? जब से महागठबंधन का हाथ उन्होंने छोड़ा है और एनडीए का हाथ थामा है नीतीश कुमार ने, तब से लेकर अभी तक ये उनकी पहली प्रधानमंत्री से बैठक होनी है और साथ ही अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनसे भी मुलाकात करेंगे। अब जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि जो
लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा होगी, और जो कैबिनेट विस्तार होना है बिहार में, क्योंकि बिहार में एनडीए का दामन थाम लिए हैं नीतीश कुमार, और एनडीए का दामन थामने के बाद जो विस्तार होना है, आपको बता दूं कि 12 फरवरी से वहां पर बजट सत्र शुरू होने हैं, और जो सत्र के पहले दिन ही वहां पर फ्लोर टेस्टिंग होनी है, तो फ्लोर टेस्ट करा के उनको बहुमत अपना साबित करवाना है, उसके बाद कैबिनेट विस्तार, कौन से मंत्री किस पद पर शपथ लेंगे, बीजेपी के कितने मंत्री रहेंगे, जेडीयू के कितने मंत्री रहेंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा होनी है। आपको बता दूं इससे पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से 5 महीने पहले मिले थे, जब राजभवन में डिनर पार्टी हो रही थी, तो उसके बाद से कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चे थे उस तस्वीर को लेकर, पर अब ये 5 महीने बाद फिर से मुलाकात लोकसभा चुनाव को लेकर, बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर, बहुत बड़ा मैसेज राजनीतिक गलियारों के लिए है। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ वो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि कितनी सीटों पर दावा कर सकते हैं, क्या जो 17 सीटें उनके खाते में हैं उन्हीं पर दावा, या उससे बढ़कर भी बात हो सकती है? अगर हम देखें 2019 के चुनाव से हम इसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार बहुत महत्वाकांक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, इनके इनके मन में ये इच्छा है कि कम से कम हमें 18 से 20 सीटें कम से कम मिले। एनडीए के और भी कई साथी हैं बिहार में, चाहे वो एलजेपी ले लें या फिर तमाम भूपेंद्र कुशवाहा वगैरह, सभी उनके साथ है, जीतन राम मांझी भी हैं, और बीजेपी खुद एक सबसे बड़ी पार्टी वहां पर है जो कि लोग में है, तो 40 लोकसभा सीट में अगर 50% नीतीश कुमार को दे देती है, इसका मतलब कि बीजेपी जेडीयू से भी कम सीटों पर लड़ेगी, पर ये पॉसिबल अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसको लेकर सीट शेयरिंग पर बात बनती है या नहीं बनती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षा ज्यादा है, पर धरातल पर जो हम देखे 2019 चुनाव में भी जिस तरीके से उनकी सीटों में कमी आई, उसके बाद से विधानसभा सीट में भी जो नतीजे हमें देखने को मिले, कहीं ना कहीं जेडीयू का जो जन समर्थन है वो हमें दिन पर दिन कम होते हुए दिख रहा है, इसलिए सीट शेयरिंग में पूरी तकलीफ हो सकती है। अब जेपी नड्डा और अमित शाह से बैठक में क्या कुछ क्लियर होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कितनी सीटों पर सहमति बनती है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ऐसे में एक और सवाल ये भी है कि ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बिहार के लिए बड़ी सौगात ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अभी पहली बार केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, बीजेपी में बिहार में उनका गठबंधन एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बना ली है, तो अब जो 2024 आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो प्लानिंग होनी है, योजनाएं दिखानी है, और जो योजनाएं बिहार में चल रही है उसको हम जनता तक कैसे ले जाए, सरकार जनता तक कैसे ले जाए, और उन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारे और उसको वोट बैंक में कैसे तब्दील करे, तो इसको लेकर प्लानिंग होनी है। ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उस पर चर्चा होंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ प्रधानमंत्री और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा उनको सुझाव देते हैं, और ये जो सरकार मिलकर जो काम कर रही है वो जनता के लिए कितना कारगर हो पाती है, ये योजनाएं जनता तक पहुंचाने में कितना सफल हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, शुक्रिया ओम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।